इस डिवाइस में लैपटॉप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा ट्राइपॉड, मोबाइल फोन और टीवी के साथ मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया। ये वीडियो बना के आपको समझ में आ गया ना कि हम क्या करने वाले हैं बहुत सस्ते में। छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे, वो स्टोरी आपको बताता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर एक टीचर का कॉल आता है और ये कॉल कुछ अलग था। इस टाइम पर कॉल था मेरे अपने टीचर का और ये मेरे लिए अपने आप का एक अचीवमेंट था कि जिन टीचर ने मुझे 10th से लेकर 12th में मैथ्स पढ़ाया आज वो मुझे कॉल कर कर बोले, आकाश मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और इस वीडियो के थ्रू जो आपने बताया वो इम्प्लीमेंट करें। ये वीडियो था कैनेडा का वीडियो जिसमें मैंने बड़े अच्छे से बोला था कि आप अपनी टीवी के साथ में, लैपटॉप के साथ में और कैनेडा डिवाइस के साथ में डिजिटल बोर्ड की तरह पढ़ा सकते हैं। सर का ये कहना बड़ा सटीक तरीके से था जिस तरीके से वो पढ़ाते आए थे कि आकाश देखो मेरे पास में टीवी है, मोबाइल है और एक बहुत छोटा बजट है, इसमें आपको मेरा काम करके देना है। मुझे इस काम को करने की जितनी खुशी थी यकीन मानिएगा कि यह मेरे लिए एक अवार्ड था। मैंने क्या किया, मैंने उनकी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझा। आप विजुअल्स में देखते ही आ रहे हैं कि मैं स्टूडियो बता रहा हूँ, रूम बता रहा हूँ। उनकी सारी चीज़ों को समझते हुए हमने शुरुआत करी उनकी टीवी से। 55 इंच की टीवी थी, उनके पास में लैपटॉप नहीं था। और इसी बीच मुझे एक मेल आता है क्योंकि मैं ट्विटर प्लस कैनेडा कंपनी से काफ़ी हद तक जुड़ चुका हूँ जब से मैंने दो वीडियो बनाया, तो मुझे एक मेल आता है कि उन्होंने एक नया डिवाइस लॉन्च किया है जिसमें लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं है, वो डिवाइस इनबिल्ड है। अब हालांकि उस डिवाइस को लेने के लिए मैंने अमेजोन पर सर्च किया, मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और उनकी वेबसाइट तीनों जगह पर देखा। मैं आपके लिए भी बताना चाहता हूँ कि तीनों जगह पर प्राइस भी वेरी वेरी थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। अमेजोन पे मुझे ये कुछ कम रेट में मिला, ये मुझे 30,000 रुपये तक मिला। आई डोंट नो आज शायद वो 31-32 हज़ार का हो, पर मुझे 30,000 तक मिला। हमने इसे ऑर्डर किया। सर का बजट था 50,000 रुपये से ज़्यादा, वो खर्च करना नहीं चाह रहे थे। मैंने बिल्कुल इस बात को समझा। उस रूम में कुछ बेसिक काम जो होना था, जैसे पेंटिंग का काम करवाया, कुछ कवर करवाने थे, कारपेट हमने लगाया, कारपेट हमने बहुत बेसिक क्वालिटी का कारपेट लगाया। और उसके बाद हमने अमेजोन से इस डिवाइस को जो ऑर्डर किया वो डिवाइस मुझे मिला। मैंने डिवाइस को सही तरीके से समझा और फिर मैं इस डिवाइस को लेकर गया सर के पास। सर के सारे इक्विपमेंट को इकट्ठा किया। यकीन मानिएगा कि मैंने उस पूरे सेटअप में अपना 100% दिया। हालांकि हर काम में मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ, पर इस काम में मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया क्योंकि एक्चुअल में मैंने जो काम किया उसके बाद जो आउटपुट आया मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मैंने ये डेफिनेटली अच्छा किया। इसका क्रेडिट मैं कैनेडा डिवाइस को भी देना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक बार डिस्कशन जब मेरी कंपनी से हुआ था तो कंपनी को मैंने बोला था कि आपका एक डिवाइस है हब, उसमें लैपटॉप अगर जिस टीचर के पास नहीं है तो ये डिवाइस काफ़ी महंगा हो जाता है और उसका सॉल्यूशन मुझे मिला। तो मुझे लगता है कि अब मैं वो जो मैंने काम किया मैं वो आप तक पहुँचा दूँ, आपको दिखा दूँ, आपको पूरा समझा दूं, ताकि अगर आप भी कुछ ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप भी इस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस जिसमें लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए मेरे पुराने इन दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी टीवी को कन्वर्ट करना चाहते हो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में तो आपको लैपटॉप, टीवी और कैनेडा के डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये नया अपडेट आया, इस अपडेट में लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपके पास टीवी है और आपने ये डिवाइस परचेस कर लिया तो आपका टीवी इजीली कन्वर्ट हो जाएगा टच स्क्रीन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में। चलिए बेसिक से मैं आपको बताऊँ कि इस डिवाइस के अंदर इस बार जो यूज़र फ्रेंडली वे में रिमोट दिया और कनेक्टिविटी के जो इजीएस्ट वे दिए कि आप अपनी पेन ड्राइव को सीधे डिवाइस में लगा सकते हो और बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए जो यूज़र फ्रेंडली हुए, जो मुझे लगता था कि कल तक उस डिवाइस में नहीं थे और बड़े डाउटफुल थे, ये बात यहाँ पर अच्छी हुई। अब देखिए मैं आपको उस स्टूडियो में लेके चलता हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट कर या मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर @news_आकाश पर क्लिक कर बताइएगा कि क्या ये सेटअप एक्चुअल में आपके लिए यूज़फुल है और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना आप मुझसे पूछिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं
और चलते हैं उस स्टूडियो में जिस स्टूडियो को बनाते समय मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए ये है वो डिवाइस और इस डिवाइस को लेके मैं आपको बता दूँ, स्टूडियो टूर हम बाद में करेंगे। एक तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यूएसबी स्लॉट दिया हुआ है, तो आपको ऐसा है कि यूएसबी का एक्सटेंशन खरीदना पड़ेगा। 100-200 रुपए में आपको एक्सटेंशन मिल जाता है क्योंकि इन्होंने एक ही पोर्ट दिया है। एक पोर्ट में तो हम लगा लेते हैं हमारी पेन ड्राइव जहाँ से PPT और PDF अपलोड करेंगे, और दूसरे पोर्ट में लग जाता है हमारा ये रिमोट। इन्होंने बहुत अच्छा सा रिमोट दिया है जिसमें टाइपिंग का ऑप्शन और उसके बाद सीधे आप इसको स्क्रीन पे से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। देखिए उसके बाद में एक पावर केबल, उसके बाद में HDMI केबल भी इन्होंने दी हुई है और ये हम लगा लेते हैं इसमें। और इस HDMI केबल को कनेक्ट करना है आपको TV से, तो वो कनेक्ट करता हो, थोड़ा सा इसको अपडेट करता हो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। एक और चीज़, अगर आप इससे ही इंटरनेट कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे एक ईथरनेट का पोर्ट भी दिया हुआ है। इसका यूज केस क्या है वो समझते हैं आगे। ये देख रहे हैं आप, ये कर्सर, ये सिर्फ रिमोट से ऑपरेट हो रहा है। ये टाइम है कोलैबोरेशन का, मतलब इस डिवाइस को बताना है कि ये टीवी की सरफेस ये है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो रेड पॉइंट है इसको आप यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में अरेंज कर दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये जो डॉट दिख रहे हैं इस पर इसको होल्ड करते चलना है। ये प्रोसेस है। लोडिंग की प्रोसेस होगी स्टार्ट, और अब मैं इसको कर देता हूँ ओके। अब देखिए, अब ये में जो मेरा पैनल है, सो देखिए अब हमारा हो गया कोलैबोरेशन। अब देखिए ये टच स्क्रीन पैनल में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पर एक कैनवास ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका कोई भी नाम देना है मैं दे देता हूँ। सो अब सबसे पहला इनपुट मैं आपको दिखाऊँ कि इसकी जो राइटिंग परफॉर्मेंस है माशाल्लाह बहुत ही शानदार आई है इस बार। मुझे तो काफ़ी अच्छा आउटपुट मिला है, चाहे मैं उसे हिंदी में लिखूं या लिखूं मैं इंग्लिश में, राइटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब इस सेटअप के साथ में हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं पावर पॉइंट की बात, तो यहाँ पर प्लस करता हूँ मैं और पिक अ डॉक्यूमेंट करता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी PPT उठा लेता हूँ। ये मैंने PPT कभी बनाई थी जब मैं अपना कोर्स बना रहा था, अपना गूगल माई बिजनेस का पोस्ट में कोर्स बना रहा था मैं, उस समय पे बनाई थी। तो देखिए यहाँ पर सारी PPT ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है। सो ये देखिए, ये है इंट्रोडक्शन पार्ट। आप कैसे पढ़ा सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इंट्रोडक्शन पार्ट, और यहाँ पर मैं आपको दो पहलू पे इस स्ट्रक्चर में बात करने वाला हूँ, मैं कौन हूँ और इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो ये था बेसिक आपका पढ़ाने का तरीका। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस PDF को, पावर पॉइंट को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। आप ऐसे ही वे में अपनी कोई भी PDF डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं अपना PDF डॉक्यूमेंट ये उठा लेता हूँ, ये मेरा PDF डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर बहुत इजीली अपलोड हो जाएगा। ये तीन है, अब सिंपल सा ये PDF डॉक्यूमेंट किसी का, हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर की पेन ड्राइव से हमने निकाला है, तो ये एक और इसके आ गए हैं, तो ये PDF डॉक्यूमेंट भी इसमें ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली PPT के अंदर। ये खासियत है इस डिवाइस की, ये खासियत है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पा रहे हो। कहीं भी आपको ये फील नहीं हो रहा होगा कि ये TV है। लोगों को लगता है कि इस पर स्क्रैच लग जाएंगे, नहीं, ये सब देख रहे हो ना, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, कोई स्क्रैच नहीं लगता है। तो देखिए इस तरीके का आउटपुट मिलेगा, आप ऐसे प्रॉपरली अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टूडियो कैसा है। तो संजू थोड़ा जूम आउट करो। सबसे पहले हमने सर के लिए क्या किया, तो सर के हमने यहाँ पर मोबाइल का स्टैंड और मोबाइल लगाने का तरीका दिया, यहीं पे हमने कनेक्ट करा इनका माइक। इसके बाद में हम देख रहे हैं नीचे लगे हमारे कुछ दो लाइट के पैनल, और उसके ऊपर हमने लगाए हैं तीन लाइट के पैनल, राइट। ये लाइट के पैनल हमने लगाए, इसके बाद हमने लगाया था
कारपेट, देखिएगा आपने कारपेट भी हमने एक बहुत बेसिक सा कारपेट लगाया, बहुत सस्ता मिलता है ये मार्केट में। इन चीज़ों के साथ में सर अपने मोबाइल से जो रिकॉर्ड करते हैं और जो उसका आउटपुट आता है बहुत ही शानदार आउटपुट आता है, और इस वीडियो को सर नॉर्मली अपने मोबाइल से ही यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, मोबाइल से ही एडिट करके अपलोड कर देते हैं। तो ये जो सेटअप की खास बात थी वो यही थी कि ये जो डिवाइस जो आप देख रहे हो ऊपर, बिना लैपटॉप के भी, बिना किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के, ये कन्वर्ट कर देता है आपकी टीवी को टच स्क्रीन में। लैग तो होता ही नहीं है। देखिए इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश हमेशा यही रहेगी आप तक वो नॉलेज पहुंचाने की, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की जो आपके लिए यूज़फुल हो। तो हमारा मोबाइल, हमारा स्टैंड, हमारी टीवी और ये डिवाइस काफ़ी है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। शुरुआत करें, जीत आपकी है।